सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ब्रूजी चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है कि एंड्रॉइड वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन कैसे बनाए, जिसमें हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और वीडियो प्ले भी कर सकते हैं। ऐसा अपना खुद का एंड्रॉइड ऐप कैसे बनाए, तो जानिए इस वीडियो में सारा। वीडियो पूरा पूरा देखें, मिस ना करें, और वीडियो पसंद है लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम ओपन करना है। वहाँ पर आपको सर्च करना है thinkable.com। जैसे thinkable.com ओपन कर दिया, उसमें से सबसे ऊपर वाला साइट में ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद में आपको गेट ऐप स्टार पर क्लिक करना है और एंड्रॉइड पर क्लिक करना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिकली आपके गूगल अकाउंट से साइन इन हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको अपना क्रिएट ऐप पर क्लिक करके उसको आपको नाम देना है। और हमारे पिछला वीडियो भी आप देख सकते हो कैसे थिंकेबल अकाउंट बनाए, कैसे ओपन करें, उसके सारे फंक्शन देख सकते हो। तो अभी हमारा साइट ओपन हो गया है, तो सबसे पहले आप क्रिएट ऐप पर क्लिक कर दीजिए और वहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन का नाम, जैसे मैक्स प्लेयर कोई भी जो भी आपका जैसे नाम है वो दे दीजिए। जैसे मैं अभी आपको दे रहा हूँ माई वीडियो प्लेयर, ठीक है, और उसको ओके कर देते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको डेमो दिखा रहे हैं, मेरे वीडियो का आपको नाम दे के आपको दिखा रहा हूँ। तो माई वीडियो प्लेयर ऐप और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा माई वीडियो प्लेयर ऐप हो जाएगा और उसको ओपन कर दीजिए। दो बार क्लिक करके क्लिक होगा तो सबसे पहले आप जो स्क्रीन में दिख रहा है उसको आप हटा दीजिए। और सबसे पहले आपको दो बटन लेना है। जो बटन पर क्लिक करके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और एक और बटन लेना है। जैसे हमने दो बटन ले लिया, तो सबसे पहले आपको बटन पर क्लिक करना है और उसका कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, जो भी हम इसको येलो कर देते हैं और नीचे वाला का भी येलो कर देते हैं, ठीक है, इसका थोड़ा अलग कर देते हैं। उसके बाद उसको आपका फॉन्ट, फर्स्ट वाला इसका फॉन्ट थोड़ा बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं, और नीचे वाला इसका भी 20 कर देते हैं, और इसको बोल्ड कर देते हैं, और नीचे वाला का भी साइज 20 कर देते हैं और इसको भी बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बटन पर वापस क्लिक करना है और आपको रीनेम पर क्लिक करना है और वहाँ से आपको बटन वन का नाम चेंज करना है। जैसे उसका नाम दे दीजिए रिकॉर्ड, RECORD, आप इसका नाम कोई भी दे सकते हैं, मगर आप रिकॉर्ड दे, क्योंकि किसी कोई भी ओपन करेगा तो उसे मालूम पड़ेगा कि रिकॉर्ड पर क्लिक करके रिकॉर्ड होना चाहिए। तो हमने रिकॉर्ड पर क्लिक किया और उसको ओके कर दिया। और भी नीचे वाला है, इसका नाम दे दीजिए प्ले, तो इसका भी नाम हटा के प्ले दे दीजिए, PLAY प्ले, और इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। अभी दोनों का बटन वन और बटन का रीनेम चेंज कर दिया, और नीचे से आप इसका भी नाम चेंज करते, वो का वही रिकॉर्ड, टेक्स्ट में आप रिकॉर्ड डाल दीजिए। रिकॉर्ड डालने के बाद इसको ओके कर दीजिए, रिकॉर्ड नाम हमारा आ गया है। और नीचे बटन टू का भी नाम एडिट करके आप यहाँ पर प्ले डाल दीजिए, ठीक है। तो भी इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद देखो ऑटोमेटिकली ऊपर रिकॉर्ड आएगा, नीचे प्ले आएगा, तो देखो अभी आ गया है। और अभी जो आपको स्क्रीन वन दिख रहा है इसको आपको नाम हटा दीजिए, स्क्रीन वन दिख रहा है इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि नीचे जाइए और आपको सब आप यहाँ सॉरी यहाँ पर नहीं, आप पहले स्क्रीन वन पर क्लिक कर दीजिए। अभी बटन वन पर क्लिक है, अभी आप ऊपर जाइए, स्क्रीन वन पर क्लिक कर दीजिए और नीचे आके उसको एक्स विजिबल को ऑफ कर दीजिए, तो हमारा स्क्रीन नेम चला गया। उसके बाद अभी आपको अपना सबसे पहले मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करके आपको कैमरा रिकॉर्डर लेना है, जो उसको आपको ड्रॉ करके ड्रॉप करना है, जो अनविजिबल आपको दिखाई नहीं देगा, तो वो देखो साइड में दिख रहा है। उसके बाद आपको वीडियो प्लेयर लेना है, जैसे हम इधर से वीडियो प्लेयर ले लिया, ठीक है। तो अभी वीडियो प्लेयर का साइज आप उसको सेट कर दीजिए, फिल एंड पेरेंट, और नीचे वाला का भी फिल पेरेंट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो अभी आपको क्या करना है, अभी ब्लॉक्स बनाना है। अभी हमारा एप्लीकेशन तो बन गया, अभी आपको उसके अंदर ब्लॉक की क्या से क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप रिकॉर्ड पर क्लिक कर दीजिए और वहाँ से ले लीजिए वैन रिकॉर्ड क्लिक, जब भी कोई रिकॉर्ड पर क्लिक क्या होना चाहिए जब भी, तो इसको हमने ले लिया वैन रिकॉर्डेड क्लिक, जब भी कोई रिकॉर्ड पर क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, तो आपको वापस कैमरा रिकॉर्डर में जाना है और वहाँ से लेना है कॉल
कैम रिकॉर्डर वन रिकॉर्ड वीडियो। जब भी कोई रिकॉर्ड पर क्लिक करेगा तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले तो रिकॉर्डर लिया और अभी इसके बाद आपको वापस कैम रिकॉर्डर में जाना है और वहाँ से आपको वैन कैम रिकॉर्डर आफ्टर रिकॉर्डिंग क्लिक, तो उसको आप वापस ले लीजिए। अभी लिया, उसके बाद आपको भी वीडियो प्लेयर में जाना है। वीडियो प्लेयर में जाके आपको भी लेना है सेट वीडियो प्लेयर सोर्स, तो यहाँ से इसको ले लीजिए सेट वीडियो सोर्स। उसके बाद अभी आपको क्लिप पर क्लिक करना है। क्लिप पर क्लिक करके आपको गेट क्लिप ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जैसे हमने कर रहे हैं गेट क्लिप। ठीक है, तो हमारा दो तो हो गया, अभी लास्ट वाला बाकी है अंतिम। तो आप वापस प्ले पर क्लिक कर दीजिए और वैन प्ले, जब भी कोई प्ले पर क्लिक होगा तो निर्देश क्या होना चाहिए। तो अभी आप वापस अपने प्ले पर आ जाइए, सॉरी वीडियो प्लेयर पर आ जाइए। वीडियो प्लेयर में आने के बाद आपको जो दिख रहा है उसको आप ले लीजिए, जो कॉल वीडियो प्लेयर वन को क्लिक करिए। जब भी कोई प्ले पर क्लिक करेगा तो वीडियो प्लेयर स्टार्ट होना चाहिए, ऑटोमेटिकली वीडियो स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार हम वीडियो ऐप बना सकते हैं, अभी आपको डेमो दिखाएंगे। ठीक है, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप उसको टेस्ट पर क्लिक करके उसको आप उसका लाइव भी देख सकते हैं। थिंकेबल लाइव पर क्लिक कर दीजिए और इस बार कोड को आप थिंकेबल एप्लीकेशन को ओपन करके देख सकते हैं और उसको स्कैन करना है। तो भी आपको स्पेशल मोबाइल में जाना है और टेस्ट एक्सपोर्ट का क्लिक करना है और वहाँ से एपीके डाउनलोड पर क्लिक करना है और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया और आप उसको इंस्टॉल कर देना है। जैसे अब देखो हमारा नाम आ गया है, हमने लोगो नहीं चेंज किया था, तो हमारा एप्लीकेशन का नाम आ गया माई वीडियो प्लेयर। तो अभी इंस्टॉलिंग हो रहा है तो हम इसको ओपन कर देते हैं। ओपन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जैसे हम रिकॉर्ड पर, जैसे रिकॉर्ड और प्ले दो ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे आप रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, जैसे हमने भी रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा वीडियो ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो उसको आप अभी रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है और इसको भी वापस पॉज कर दीजिए और इसको राइट कर दीजिए। राइट करने के बाद वीडियो सेव हो गया। अब आपको डेमो देख रहे, प्ले पर क्लिक कीजिए और हमारा वीडियो देखो, इसमें साउंड रिकॉर्ड भी होगा, वीडियो रिकॉर्ड भी होगा, उसको सेव भी कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसी तरह के नई नई वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।